और वीडियो को वहाँ पे पॉज करिए जहाँ पे जो आपने अभी पिक्सआर्ट से क्रॉप वाला फोटो लगाया था, उसके बाद आप वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप कटिंग वाले ऑप्शन में आ जाइए और जो सेकंड वाला ऑप्शन है आप उस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद हमें अपनी लेयर को एनिमेट करना है। पहले आप सही से लेयर की सेटिंग कर लीजिए, जहाँ पे आपका जो वीडियो दूसरी आ रही वहीं से आपकी लेयर आना चाहिए। इसके बाद अपने जो फोटो की जो कटिंग वाली लेयर है आप उस पर क्लिक कर लीजिए और एनिमेशन वाले ऑप्शन में आ जाइए। इसके बाद आप अपने वीडियो को आगे बढ़ाइए और थोड़ा लास्ट से पहले आप एक यहाँ पे डॉट रख लीजिए यहाँ पे क्लिक करके। इसके बाद आप अपने फोटो थोड़ा सा छोटा करके ऊपर कर दीजिए बिल्कुल। अब हम वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं, हमारा फ्लाइंग वाला इफेक्ट पूरा हो चुका है। अब आगे की वीडियो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आप मीडिया ब्राउजर से जाके एक वॉलपेपर ले लीजिए, उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लीजिए। दोस्तों वॉलपेपर इंपोर्ट करने के बाद आप वॉलपेपर पे क्लिक करिए और क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में आ जाइए और जैसे मैं करता हूँ आप बिल्कुल वैसा ही कर लीजिए। तो दोस्तों क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाके हमारे वॉलपेपर में मूविंग वाला इफेक्ट आ चुका है। अब आप देख सकते हैं हमारा वॉलपेपर मूव करने लगा है। इसके बाद दोस्तों आपको एक इस तरह की फोटो क्लिक करवानी होगी। फोटो क्लिक करने के बाद आप वैसे ही जो मैंने आपको बताया था पिक्सआर्ट में जाके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आप लेयर में जाके इसे इम्पोर्ट कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा ये क्रॉप करा हुआ फोटो आ चुका है। अब आप इसे रोटेट कर लीजिए। रोटेट करने के बाद दोस्तों आप अपने फोटो को ड्रैग करके बिल्कुल लास्ट में कर दीजिए, थोड़ा सा आपका फोटो जो है दिखना चाहिए। उसके बाद आप अपने फोटो वाली लेयर पे क्लिक करके एनिमेशन वाले ऑप्शन में आ जाइए और फोटो को बिल्कुल लास्ट में ले जाइए। उसके बाद आप यहाँ पे एक डॉट रख लीजिए और फोटो को ड्रैग करके इधर वाली साइड में बिल्कुल छुपा दीजिए। इसके बाद अपने फोटो वाली लेयर में ओवरऑल एनिमेशन दे दीजिए, आपको ड्रिफ्टिंग वाला एनिमेशन देना है। इसके बाद दोस्तों आप लेयर पे क्लिक करके मीडिया में चले जाइए। उसके बाद आप वहाँ से जो क्लाउड्स की PNG पिक्चर्स हैं आप उसे इंपोर्ट कर लीजिए। उन पिक्चर्स की मैंने लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों क्लाउड की पिक लेने के बाद आप उसे उसी तरह से जैसी मैंने फोटो की लेयर को एनिमेट करा था आप इसे भी एनिमेट कर लीजिए। तो दोस्तों आप वीडियो को देखते रहिए, आप समझ जाएंगे आपको कैसे एनिमेट करना है और आप इसे डुप्लीकेट भी कर लीजिए। दोस्तों हमारी ये दो वीडियो हो चुकी हैं। अब हमें लास्ट जो हम ऊपर से वापस से जो लैंडिंग करते हैं जंप वाली वो वीडियो लगाना है। तो दोस्तों आप फिर से मीडिया ब्राउजर में चले जाइए। मीडिया ब्राउजर चले जाने के बाद जो आपने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसे आप इंपोर्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप वीडियो पे क्लिक करके कटिंग वाले ऑप्शन में आ जाइए और आपको यहाँ पे एक स्प्लिट करना है। तो दोस्तों स्प्लिट आपको जब भी करना है जब आपका कैमरा नीचे आ जाता है। इसके बाद दोस्तों आप अपनी वीडियो को ड्रैग करिए आगे की तरफ। ड्रैग करके दोस्तों आपको वीडियो वहाँ पे रोकना है जहाँ पे आप जंप करके नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। उसके बाद आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, इस वाले ऑप्शन में जाके फिर से आपको फ्रेम एक कैप्चर करना है और उसे भी पिक्सआर्ट में जाकर उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। अगर आपका फ्रेम सेव नहीं हो रहा तो आप पूरी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप पिक्सआर्ट से एडिट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप लेयर में जाके मीडिया में चले जाइए और वही वाला जो आपने क्रॉप किया है पिक्सआर्ट से उसे आप इंपोर्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों जो आपने अभी क्रॉप वाली लेयर ली है फोटो की आप इसे भी बिल्कुल उसके ऊपर फिट कर दीजिए। उसके बाद आप वीडियो पे क्लिक करिए। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप कटिंग वाले ऑप्शन में आ जाइए और जो पहला वाला ऑप्शन है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो आपकी जो लेयर है वो आपकी लास्ट में चली गई है, आप उसे ड्रैग करके बिल्कुल शुरू में ले आइए।
उसके बाद आप अपनी वीडियो को प्ले करिए और वीडियो को वहाँ पर पॉज करना है जहाँ पे जो आपकी वीडियो में आपकी जो जंप आ रही है वहाँ पे पॉज करने के बाद आप इतने जो आपकी जो लेयर है इतनी क्रॉप कर दीजिए। दोस्तों फोटो के लिए क्रॉप करने के बाद आप इस लेयर पे क्लिक कर लीजिए और जो आपका जो फोटो है उसे आप बिल्कुल ऊपर कर दीजिए, लेकिन आपकी जो फोटो का लेयर है वो थोड़ा सा दिखना चाहिए। इसके बाद आप एनिमेशन वाले ऑप्शन में आ जाइए, इसके बाद आप इसे बिल्कुल लास्ट में कर दीजिए और यहाँ पे एक डॉट रख लीजिए और जो आपका जो लेयर है आप जो वीडियोस के बिल्कुल वीडियो के बिल्कुल ऊपर इसे फिट कर दीजिए। दोस्तों हमारे जो फोटो की लेयर है इसकी जो टाइमिंग है वो बिल्कुल ठीक उससे होना चाहिए, तो दोस्तों आप इसकी सेटिंग सही से कर लीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे या कट कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो की जो भी एडिटिंग थी वो हमारी पूरी हो चुकी है, अब मैं आपको इस वीडियो को पूरा प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ लाता रहता हूँ।